राज्य सरकार की पहल पर जिले में लॉकडाउन में फंसे हुए यूपी के श्रमिकों को जिला प्रशासन ने रोडवेज की बसों से उनके गृह राज्यों के लिए रवाना किया। इसके लिए 21 बसों की व्यवस्था की गई, जिसमें से 796 श्रमिकों को यूपी के हाथरस भेजा गया। इस दौरान जिला कलेक्टर यूडी खान भी बस स्टैंड पहुंचे और साथ ही में श्रमिकों से बातचीत कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। एसडीएम सुरेंद्र यादव ने इस पर बताया कि राज्य सरकार के आदेशों के तहत इन लोगों को पूरे सम्मान के साथ जिले से विदा किया गया। रवाना करने से पहले उन्हें भोजन, पानी की बोतल, मास्क और बिस्किट भी वितरित किए गए। प्रवासी श्रमिकों को के लिए झुंझुनू उपखंड से उत्तर प्रदेश में हाथरस के लिए बसें हमने 317 यात्री कुल हैं जो रवाना करी हैं, जो 8 बसों में हमारे पटवारी हल्का जो इन बस के साथ हमने रवाना किए हैं, ये बसें हाथरस पहुंचेंगी। जो उत्तर प्रदेश के अप्रवासी श्रमिक थे जो झुंझुनू उपखंड में काफ़ी दिनों से इधर उधर घूम रहे थे, जिन्होंने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, आज उनको हमने खाना, पानी और बिस्किट खिलाकर पूरे उससे इनको